ब्रह्म यजमान सर्वज्ञ सर्वशक्ति परले अपरले मैं कुही तो प्रभु जीवन मूल पिरा मिलन से बहुत हुए आनंद श्री तुले राम सतगुरु मिले तो मेरे दादा श्री लक्ष्मी चंद करती रही समय सब गलगी अब पिया को ढूंढने चली तेरे नहीं रहे रतनाले नैन कटीले हड्डी पसली के जोड़ हुए सब ढीले सोरण काया के रंग पड़ गए पीले वो बदल गए कोयल से बोल रसीले छम चलती थी वैसी ये चाल रही ना थी छेल चीकी सफा सिखाल रही ना था रंग कंदूरी वैसी ये लाल रही ना रंज सोच फिकर गमी दिल खुशहाल रही ना तेरे चंद्र वरणी चेहरे की रोशनी चलगी अब पिया को ढूंढने चली काली लटा लटपटी नजर आती थी गज मोती पिरो के
ठंडी गुंदवाती थी माथे पे बिंदी नू गजब चमक जाती थी मर्दों के जिगर को चूट चूट खाती थी साथियों माता और बहनों आज आपके सामने जगदीश कैसेट कंपनी की तरफ से पंडित लक्ष्मीचंद का बना है मशहूर सांग हरिचंद आपके सामने पेश किया जा रहा है तो ध्यान से सुनिए। सतयुग में महाराज हरिचंद हुए जिसको 99 यज्ञ कर ली थी और 100वें यज्ञ की तैयारी थी। जिस टाइम 100वें यज्ञ की तैयारी करी तो इंद्र महाराज का इंद्रासन ढोल जाता है। इंद्र महाराज ने सब देवता इकट्ठे कर लिए कि मृतलोक में ऐसा तपस्वी कौन है कि जिसने मेरा इंद्रासन डुला दिया। विश्वामित्र उठता है महाराज के हरिचंद है जिसको 99 यज्ञ कर लिया है और 100वें यज्ञ की तैयारी है। अगर उसकी 100वें यज्ञ पूरी होगी तो सुरुगपुरी का राजा हरिचंद होगा। कहता है कि फिर तुम्हारे में कोई देवता ऐसा है जो कि उसका सत्खंडन करे और उस यज्ञ को भंग करे। विश्वामित्र कहता कि हाँ महाराज मैं कर सकता हूं। सजनो एक ब्राह्मण का रूप बना के हरिचंद तो मेरी बात सुन। क्या लड़के का उलाना दे से मैंने तू? हाँ उलाना नहीं देना चाहिए इसे वक्त पे। क्या झूठा जूस हूं? सच्चा नहीं हो रे Yeah!
तो आसान बखेरा मेरे का कर्ज उतर जा नू
करे धर्म करे। मैं जानती हूँ महाराज। कैसे बना? कैसे? ए लपने पने पुलदान करे जाने किस दिल या जाए अदी ही मैं बोला तू मन गया थवा दे आखे कसूती धर्म का धक्का दिए मेरी दसवीं कर मत बचना दे फिरिए ठीक और के गति मैं बैठ जाऊंगी हाँ छीट लाग तू नू मत डरिए कदे छीट लाग जा
एक बार दूर तक हाथ लगा दे। अच्छा। और हमने तो आसान बतेरा मेरे सिर पर गड़ा। देखिए महाराज, मैं आपको गड़ा नहीं उठवा सकती। क्यों नहीं उठवा सकती? मैं आपको एक तरीका बता सकती हूँ। अच्छा, ठुआवा नहीं, ठुआर के बदले मेरे को तरीका बता सकती है? जी हाँ, तरीके में के काम चल रहा है। ऐसा तरीका बता देंगे तो मैं कहती अंगा लाने की जरूरत ना पड़े। अंगा लाने की जरूरत नहीं पड़े। हाँ, अंगा तेरे है को नहीं रानी मेरे में। आप पे आ जाएगा सिर पे गड़ा। कैसे आ जाएगा बताओ मेरे पास? ओ जल में गोता मार गए, वो तड़े ने चुका लिए नाड़ी गड़ा तेरे शरीर ऊपर What's that?
रात का ठंडी वो कल में रात का जन करी हर के ओ गुण गाता ओ पिया जी ओ तरण में हर के हरे ऐसा तरीका बताया है। अच्छा छाती छाती जल में बढ़ के अच्छा और गढ़ा पानी का भरे रखे आपने हाँ। और गोता मारेगा उसका तला बढ़ जाए अपने आप गढ़ा सिर के ऊपर आ जाएगा नांगा लाने की जरूरत। ये तो बहुत अच्छी तरकीब बताई आपने। बहुत अच्छी तरकीब है जरूरी। ठीक है महाराज मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है जाइए महाराज। नमस्कार। नमस्कार चलो रानी अपने पति को ये तरकीब बता गए लेकिन हाथ नहीं लगाया। तरकीब बता दी छाती छाती जल में बढ़ जा और गोता मार के इस मटके गए आप नीचे बढ़ जाइए और तेरे सिर पर आ जाएगा। हरिचंद ने वो एक काम करा छाती छाती जल में बढ़ जाता और के कहने लगे सुनिए बात में यारे सिर के ऊपरी अरे सिर के ऊपरी मटका ठा लिया भाई जल में गोता मारे ये भीड़ पड़ी मैं गोरा धर की वो फेरा की Yeah.
खाएं और जल पिए 40 दिन बीत गए थे, भूखे की कार डोली थी, मटका सिर पर उठा तो लिया लेकिन चलने की श्रद्धा नहीं थी। थोड़ी सी दूर चला, थोड़ी सी दूर चल गए, शरीर डोल जाता है, ठोकर लाग के गिर जाता है और वो मटका फूट जाता है। मटका फूट गया तो रोन लाग जाता है। उधर से कौन, खुद विश्वामित्र आता है और आकर हरिचंद से क्या बातें करता है। अरे भाई साहब कौन हो तुम? ओहो भाई साहब, महाराज हाँ मैं तो इस कालिया भंगी का नौकर हूँ। कालिया भंगी का नौकर है? नौकर हूँ जी। फिर यो गढ़ा क्यों कर फोड़ दिया? क्या बताऊँ कैसे फूट गया, मैं चला हुआ जा रहा था, मेरा बदन डोल गया, ठोकर लाग के मटका फूट गया। अच्छा? मेरे बस की बात नहीं। तो ठीक है, मैं कालिया भंगी से जाकर के बता देता हूँ भाई, उसने मटका फोड़ दिया हरियन है। ठीक है जाओ बता दो। कालिया भंगी विश्वामित्र कालिया भंगी के पास जाता है, जाके कहता कि तेरा एक नौकर है और मटका फोड़े बड़ा नहर पे बैठा है, क्या कहता है? रे कालिया भंगी कौन से, मैं दिखता कौन है तने? ओहो आ महाराज, आओ महाराज। देखो कुकर आए, जो तुम्हारा नौकर है ना वो हरिया। अच्छा, वो बरना नदी पर था, मटका भर के चला था। अच्छा, और थोड़ी सी दूर चलते उसने वो मटका फोड़ दिया। कोई बात नहीं, फूट जान दे। और जान का फोड़ा है? जान का है। हाँ। और किच पड़ा है? वो बरना नदी के रास्ते में है, जाकर संभाल ले उसे। चलो इब कालिया भंगी गुस्से में होके वहां पर आता है और हरिचंद के साथ क्या बात करता है, सुनिए। अरे अरे ओ महाराज, राम राम। राम राम, यू मटका क्यों कर फोड़ दिया तने? क्या बताऊं कैसे फूट गया। अरे मैं चला हुआ जा रहा था, मेरा गांव टोल गया, ठीक ठोक लाग के मैं गिर गया और ये मटका फूट गया। अच्छा, तू रोज का रोज न्यू नुकसान करेगा क्या? एक सूत बैठने की बात से भाई। महाराज के मेरे बस की बात है? हाँ? क्या मेरे बस की बात है? फिर रुक रहेगा महाराज? ओहो आ मेरे मारो मत। अच्छा मारू भी नहीं, नुकसान कर दिया यार, मारू भी नहीं। अरे कालिए लड़का मारे मेरा हाजी लकड़ने काजर से बकस तेरे पाछुच कर्म का खेल है। कैसे? फिर कैसे कर्म ते कर्म ते नेकी कर्म ते बदी कर्म ते घोड़ा कर्म ते गदी कर्म ते घोड़ा कर्म ते गदी कर्म ते अजनती का पनी यार कर्म ते अजयू बंटी का घर से कर्म करे सन में सुधारू। हाँ सुना, मैंने तेरे पीछे ले रखे थे, पीछे पीछे मांगू हूँ, तू मेरा कर्जा मांगे, कर्जा मांगू हूँ। रम ने तेरे ले रखे से बाहर लू तेरा कर्ज मेरे सिर से इसने मर बच के दारूंगा।
खायो सकेले विचार सोच समय चढ़िए की पर से सोचना हिम्मत पर समाप्त किया जाता है तो सुनिए ये बाकी सांग दूसरे भाग में सुनिए साहबान आपके सामने जगदीश कैसेट कंपनी की तरफ से पंडित लक्ष्मीचंद का बनाया है सांग हरिचंद आपके सामने सुनाया जा रहा है मुख्य कलाकार बलवान सिंह दोहरी बुटानिया और सत्य कथरुआर ढोलक पे खासा प्यारे लाल रोने वाले और नकारे पे शेर दिन खा साहब बुआने वाले और हारमोनी पे रिसाले खा साहब बुआने वाले क्लाट मास्टर प्रकाश गरावड़िया और जो नकली का रोल कर रहे हैं राजेंद्र सिंह धमाका तो सुनिए भाग नंबर दो आपके सामने ये हरिचंद का सांग सुनाया जा रहा है। हाँ करिए महाराज। हाँ भाई क्या कह रहा तू? मेरे लड़का मन्ना मारे। क्या? मेरा जी लिख जाओ और मैं मर जाऊंगा। तू रोटी नहीं खाता पानी नहीं पीता। ओहो महाराज। हाँ वो तो आपके कोई कमी नहीं है फिर सब बातों की मौज है। अच्छा लेकिन ठीक है बस तू एक काम कर भी के? चाल उड़ा दुकान पर चलेंगे। ओहो दुकान पर क्या करोगे आप? उस बनिया का हिसाब किताब करेंगे। रहने दो महाराज क्या करोगे? अच्छा तू तो खाकर बैठ गया उसके पीछे नहीं देने महाराज। हाँ मैंने क्या खाया? ठीक है मैंने जो कुछ खाया खाया है। तू उस दुकान पर चल उसकी बही का हिसाब करेंगे। चल उसकी बही का हिसाब किताब करेंगे। हाँ ठीक है रे चलिए चलो। हाँ शेर जी राम राम। राम राम भाई कुर्सा है? अरे बाहर देख के है। अरे कुर्सा है करिया। ओ करिया। हाँ आइए भाई क्यों कराने हुए शेर जी। हाँ जो यू मेरा नौकर है ना रिया। हाँ जो कुछ सौदा सूत ले गया आपकी दुकान से। हाँ अपना हिसाब किताब करा भाई। करिया न्यू है? हाँ यो तो भाई जिस दिन तुझने ले कहा था ना। अच्छा मन तो इसकी शक्ल उस दिन देखी थी उस दिन पाछा आज तो दिखा नहीं है। ये दुकान पर आया नहीं? बिल्कुल नहीं आया। आ रहा है ये? हाँ महाराज मैं रास्ता भूल गया था। रास्ता भूल गया था? हाँ जी। हाँ भाई। हाँ यू सारा का सारा शराब मेरा चढ़ा दिया तने। है महाराज। हाँ शराब क्या चढ़ा दिया आपके? और मैं रास्ता भूल गया था। एक बात सुन पहले मेरी बात सुनो। मैं समझ गया तेरी बात में। तेरे रास्ता तेरी दुकान का तेरे घर भूल गया Yeah.
अच्छा मने राय को ना पाया अच्छा और मना अड़ान की फिर टाल कर दी ठीक और ना कहीं मैं और कहीं से ले गया तो एक काम करे ये मेरा आगे सौदा ले अच्छा और अपना खा शेर जी हाँ भाई इसको दे सौदा सो सारा तलवाले आज इतना से हाँ कई दिन का कट्ठा है तलवाले ठीक है तो ले भाई हरिचंद महाराज लाचार हो जाते हैं समझ लिया अगर जब तू इसके आगे यू राशन नहीं लेगा तो पता नहीं क्या श्राप दे दे अगर ये राशन लेके खा लिया तो तेरे ऊपर श्राप चढ़ेगा और भार चढ़ेगा तेरा सत खराब होगा गिर जाता है लेकिन कालिए के सामने वो राशन तलवा लेता है। हाँ जी शेर जी हाँ जी राशन तोल दिया बिल्कुल तैयार दे रहा है ले जा भाई ठीक है मैं महाराज हाँ ले जाता हूँ इसको चलो ले जाओ भाई खा लिया ना जाके ठीक है खा लूंगा शेर जी न्यू कह रहे ले अरे एक बात सुन ले क्या महाराज आज तेरी ड्यूटी बदलती है मेरी ड्यूटी बदलती है हाँ। और ड्यूटी कहाँ लगा दी है मेरी पानी की हटाकर तेरी शमशान भूमि में ड्यूटी ला दी है ओ वहाँ पर क्या करना मेरे को महाराज जो भी शहर में थे कोई भी मुर्दा आवे फूकने वाला अच्छा उस पर 100 रुपया ले और मुर्दा फूकने दे अच्छा ये नहीं जो भी मुर्दा लेके यहाँ पर फूकने के लिए आवे हाँ उस पे 100 रुपए की कर है हाँ कर है मैं वो कर ले लूँ बस अगर जो कोई 100 रुपया नहीं देवे उसको फूकन मत दे उसको वहां से भगा दूँ हाँ ठीक है चलो हरिचंद महाराज की पानी भरने की ड्यूटी खत्म कर दी और शमशाना में ड्यूटी लगा दी और उधर से वो बनिया ने राशन तोल दिया कि वो राशन लेके हरिचंद महाराज वरना नहर पर चले जाते हैं चलो नहा धोके भगवान का भजन करके वो भोजन तैयार किया हरिचंद का पहले भी नेम टेम था क्या जब वो खाना खा करता पहले भूखे मारा ने भोजन खुआ के फिर बाद में खाना खा करता जब वो भोजन तैयार हो लिया तो आवाज लगाता है कि हो कोई भूखा मारा आगे भोजन खा लो भाई है कोई भूखा मारा भाई आके भोजन खा सकता है हरिओम 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 पंडित जी महाराज प्रणाम प्रणाम चिरंजीव रहो हाँ महाराज देखिए ये भोजन ग्रहण करो भोजन तो ग्रहण करेंगे जरूर मैं पता है 60 दिन से भूखा हूँ महाराज हाँ जी आप 60 दिन से भूखे हो से भूखा हूँ जल्दी से जल्दी भोजन लाओ सजनो लाओ हमारी ज्वाला भड़क रही है पेट की हरिचंद ने अपने दिल में हिसाब लगाया तन्ने तो 40 दिन हो लिए और इस इंसान ने 60 दिन हो लिए जब यू नहीं मरा तो तू कैसे मरेगा हरिचंद की और हिम्मत बन जाती है महाराज आपने 60 दिन हो लिए भोजन खाए हाँ जी 60 दिन हो लिए पूरे जल्दी से जल्दी भोजन चलो ये भोजन ग्रहण करो ठीक है कर लिया लो महाराज जी लो ओहो मौज होगी भाई महाराज चिकनी भाई भला हो तेरा महाराज आज तक ती जी मजी हणा दिया ले भाई कल भी खवा देगा महाराज हाँ अब आज छगे बिल्कुल तृप्ति होगी आपकी आत्मा प्रसन्न है हाँ। तो कल कल फिर रहा कल पक्का कल इसी टाइम फिर आ जाना आपको भोजन तैयार मिलेगा ठीक है बने रहो आनंद करते रहो सजनो अगले दिन भी हरिचंद महाराज राशन ले जाते हैं नहा धोके भगवान का भजन करा और बाद में वो भोजन तैयार करके आवाज लगाई हरिचंद प्रतिज्ञा करके बैठ जाता है कि अगर आज सारी पृथ्वी उठका दे मेरा भंडारा खत्म नहीं होगा विश्वामित्र ने भी देख लिया कि आज अपने सत पे बैठा है राजा अगर तू आज चलेगा तो आज तने नीचा देखना पड़ेगा हरिचंद ने आवाज लगाए तो वहां से टल जाता है जब हरिचंद महाराज ने भोजन सबका सब उस ब्राह्मण की बाहर देख के जब नहीं आया जितना भी भोजन था उस वरना नहर में अर्पण कर देता है फिर बाद में आता है वो क्या कहता है धर्म रहे आनंद करते रहे ओहो महाराज हाँ आप आ गए बिल्कुल आ गया लाओ भोजन लाओ जल्दी महाराज हाँ जी मैंने तो आपके इंतजार करके जब आप नहीं आए मैंने आवाज बहुत लगाई आप नहीं आए हाँ। तो आपकी बाट देख के क्या कर दिया वो जितना भी भोजन था मैंने इस पर नहर में अर्पण कर दिया महाराज ओहो आपने तो कमाल कर दिया कहाँ से गिरा है ये बताइए यहीं पर गिरा है ओहो ठीक है मैं देख लूंगा आपको सुनो विश्वामित्र ने के गिरा वो अपना इंसान का रूप तो छोड़ दिया मच का रूप बना के और जितना भी वो भोजन उसमें बरना नहर में अर्पण करा था वहां पर जाके मच बन के निकल जाता है उसको श्राप देने काबल नहीं रहा अगर उस भोजन को नहीं खाता तो श्राप भी दे सके था यहां की बात तो यहां रहती है
उधर से पंडित रामलाल रानी पर मदन हाउस को हुक्म देता है कि जाओ लड़के रोहतास ने बाग में भेज के, मेरा सिंधा का टाइम है, पूजा पाठ का टाइम है, बागों में भेज के और फूल मंगवा दो। इब लड़का रोहतास फूल लेने के लिए चलता है और एक बात में क्या कहता है, ओ धर्म समझ के चल दिया लड़का, वो छत्री हरिचंद का जाया और एक पल में चाहे सो कर दे ईश्वर तेरी ऐसी माया, धर्म दान का मिल गया लड़का राजा टहल करण ना पाया एक पल में जाता है। उधर से विश्वामित्र ने अपने दिल में हिसाब लगाया कि ये हरिचंद महाराज तेरी काबू में नहीं आने वाला और ना तेरी काबू में अब तक आया, क्या काम करता है सरप का, सरप का जिस्म बना लेता है अपना सरप बन के और एक कनियर में बैठ जाता है। उधर से लड़का रोहतास बाग में बढ़ जाता है, घूम के हाथ भर के एक कनियर के पास चला जाता है। कनियर में जब फूल तोड़ने के वास्ते हाथ दिया तो विश्वामित्र सर्प बन रहा था, लड़के रोहतास के एकदम डंक मार देता है। वो लड़का क्या कहता है, हाय माँ, लड़का हाय माँ करता है, बिलाप करता है, बिलाप करता है, रोता है। सुनिए एक बात में क्या कहता है, ओ तेरा भूलू नहीं ऐसा,
तेरी सी माता मेरी छोड़ दिया अपना वो असली ब्राह्मण का भेष बनाकर लड़के के सामने आ जाता है। लड़का उस ब्राह्मण के सामने अपने हलीमी करता है कि ऋषि महाराज एक बार मेरी माता ही खबर कर दे, कम से कम आने का मने संभाल लेगी। क्यों भाई लड़के? हाँ जी। किसका है तू? क्या नाम है तेरा? मैं बेवारिस का हूँ। फिर तेरी माँ कहाँ मिलेगी? मेरी माँ मिलेगी शहर के अंदर। अच्छा,
और उसको जल्दी से जल्दी जाकर के बता दो कि तेरे बेटे का सर्प लड़ गया। अच्छा मैं जाता हूँ रामलाल के यहाँ। ठीक है। नौकरी करती है मेरी माँ। ठीक है। सुनो ये विश्वामित्र बागो से चल के और शहर की तरफ चाल पड़ा। उधर से रानी मदन हवत पानी भरने के लिए कुएं पा रही थी और पांच सात पनिहार पानी भर रही थी। विश्वामित्र उन पनिहारियों के धोरे खड़े होकर कहता है, क्या कहता है बाबू? करी पानी भरने वाली हो? हाँ जी। किसी का लड़का है नौलखे बाग में, उसका सांप लड़ा है, काली ही टोपी ओढ़ रहा है, बुरा है लड़का है। ओ जड़ा मदनावत नीर भरे थी, सुन कुएं बिच डोली रहा था। अटके फेर बोलिए जो तन पहल में बोल गया था। ओ जी तोड़न फूल बाग में मुझ दुखिया गाला ले गया था। उसका नाम रोहतास है, काली ही टोपी ओढ़ रहा है, बुरा लड़का है, उसको सांप ने काट लिया है। ऋषि जी मैं एक पैर की रोऊं बाग मुझे दुखिया का बैठा था। ओ मनु हाथ जोड़ के कही मने ते एक जेठा था। ओ जो गया फूल तोड़ने बाग में मुझ दुखी आरी का बेटा था। हाँ महाराज कहाँ है? बाग में पड़ा है, हाय माँ कर रहा है। कौन से बाग में? नौलखे बाग में। देखिए महाराज काशी के अंदर तो नौलखे बागों का ओड़ ही नहीं, पता नहीं कितने नौलखे बाग हैं काशी के अंदर। कौन से नौलखे बाग में है? ये तीन सड़क जाती है यहाँ से। हाँ। एक इस तरफ और एक इस तरफ। जो पिछली सड़क है इस पिछली सड़क वाले बाग पर चली जा, आगे तेरा लड़का मिल जाएगा। सदरो रानी मदन हवत रोती पीटती हुई ऋषि की बात को सुनकर बाग की तरफ हो लेती है और क्या कहती है बाग में सुनिए कैसे रुदन करती है और क्या क्या कहती है। वो और किसे का वो दोष नहीं कर्म लिखा दुख रोवणी चली और इन कैसी के बग के मालास कमर की टोवण चली। और कोई भी ना
जीव तपा गया पर कलाड भड़ोवन चली इन कसी के बगा के मलाश कबर की कोवन चली लक्ष्मी चंद कहे प्यास चली ना लिखी कर्मा की रेख डलीना लिखी कर्मा की रेख डलीना और पिछले दुख में कसर घलीना पिछले दुख में कसर घलीना आगे का जंग जोवण चली इन कसी के बगा के मलाश रानी रोती पीटती हुई नौलखे बाग में पहुंच जाती है। ये बाग में चौगड़े का घूम के देखा तो एक कनियर के पेड़े के नीचे लड़के रोहतास की लाश मिलती है। रानी लाश के पास बैठ जाती है, कैसे रुदन करती है और कैसे रोना शुरू करती है और क्या कहती है सुनिए क्या कहती है। हाँ बेटा रोहतास, अरे नैना मैं ते आंसू पड़ती बूंद साड़ के जड़ में और जिस दम ते मां करे था सांस नहीं तेरी धड़म सांस नहीं तेरी धड़म रोती पीटती हुई नौलखे बाग में चली जाती है। बाग में चौगड़े के घूम गए एक कनेर के पेड़ के नीचे लड़के रोहतास की लाश मिलती है। लड़के रोहतास की लाश के पास रानी बैठ जाती है और क्या रोना शुरू करती है, कैसे बिलाप करती है। जो वहां बाग में रहने वाले पक्षी थे वो पक्षी भी कुंद हो जाते हैं, सुनसान मार जाता है। रानी कैसा बिलाप करती है सुनिए। रे नैना मैं ते आंसू पड़ती और बूंद साड के जड़ में जिस दम ते माया करे था सांस नहीं तेरी धड़ मेरे सांस नहीं तेरी धड़ में के मां करे थे गुजारा सब घर बारी छूट के एक धन माया बकी थी वो ले गया नागी लूट के कोई घड़ी मैं मर लूंगी शरण कूटी कूट के
देख पुत्र तेरे पालन आली कदमा कहगा उठ तेरे कदमा कहगा और रड़ा टूट के रतम मटी
सुख निंद्रा सोवे और देख पुत्र तेरे पालने वाली आज जिंदगनी ने होवे मान सिंगी सतगुरु बिना कोणी नुदाग जिगर के धोवे और देख पुत्र तेरे पालने वाली किया जाके बाघ के जितने भी पक्षी थे वह कुंद हो जाते हैं, बाघ में सुनसान मार जाती है। वो रोने की आवाज आई, आवाज सुन के बाघ में रहने वाला माली वहां पर जाता है और क्या कहता है, अरे दुखियारी का ठंड हो रुके मारे और से रोवन आई ने रोला लड़का चला मारिका मारी हरू ठंडू रुके मारे और से रोवन आई ने रोला लड़का चला मारिका मारी ठंडू ठंडू रुके मारे
हूँ, कहाँ से आई है, कहाँ जाना है, क्या नाम है, क्या गांव और क्यों रोती है? मैं बेवारस हूँ। बेवारस है? और मेरे लड़के रोहतास के नाग लड़की। तेरे लड़के के सांप लड़ गया? हाँ। फिर यहाँ पर क्यों रोती है? इसको यहाँ से उठाओ और यहाँ से शमशान बिल्कुल नजदीक है। आप क्या कहते हैं? आप यहाँ से उठाओ, इस बात को उजाड़ दिया। और इस बात को बिल्कुल आपने खराब कर दिया, उजाड़ दिया तुमने ये बिल्कुल बात। मेरी बात सुनो, बाद में बिल्कुल बदबू उठा दी, इसको जल्दी उठाए यहाँ से। अरे मैं क्या उजाड़ू तेरे बाग ने। हाँ बोलते बेटे। मेरे चमन का चोरी तेरे खुद बगा
क्या तेरे ये लड़का है? हाँ ये मेरा लड़का है। और ये मर गया? बिल्कुल मर गया। तू इसलिए रोती है? हाँ। तेरा रोना गलत है। क्यों? मेरी बात सुन, जो इसका जीव था हाँ। वो तो इसके अंदर है नहीं, वो तो निकल के चला गया, अब तुम स्वरूप में मिल गया, अब तेरा रोना फजूल है। लेकिन ये मेरा बेटा तो था। तेरा बेटा तो था, मेरी बात सुन। तेरा रोना गलत है। भगवान ने लिख दिया अपनी कलम से, उसका कोई मिटने वाला नहीं है। बंदा से लाख जतन कर ले, लेकिन वो काम जरूर बनेगा। कैसे? कैसे? तेरी वो सोमनिया प्यार जाग जा, जिसकी धुरते हेरी टूटी कोना, और जिसकी टूटे यही दरगाह उसे मर गया? जीव है। इसका बाप जिंदा है? हाँ। जब बाप तबला बेटा मर गया, वो लुट गया, तू लुटी बना संसार में जीना है। कैसे? कैसे? यू बस इतने दिन
खेड़ी माली बेटे आली चोटी एरे बेटे बरगी चोटी और बाकी ना से मेरे दांत राजा हरिचंद भाग नंबर दो यहीं पर समाप्त किया जाता है। ईद बाकी शान आपको तीसरे भाग में सुनाया जाएगा। सुनिए जगदीश कैसेट कंपनी की तरफ से आपके सामने यह हरिचंद का शान सुनाया जा रहा है। गाने वाले मुख्य कलाकार बलवान सिंह धोरी बुटानिया और जो रानी मदनहाथ का रोल कर रहे हैं सतवीर सिंह पोसरा कथूरवाड़ और ढोलक पे खासा प्यारे रोने वाला नकारे पे शेरदीन बुआने वाला और हारमोनी पे रिसाले बुआनिया और क्लाट पे ओम प्रकाश ग्रावड़िया और जो नकली का रोल कर रहे हैं और राजेंद्र सिंह धमाका। तो सुनिए पंडित लक्ष्मीचंद का बनाया है सांग हरिचंद आपके सामने ये तीसरा भाग पेश किया जा रहा है। सुनिए जगदीश कैसेट कंपनी की तरफ से आपके सामने यह हरिचंद का सांग सुनाया जा रहा है। गाने वाले मुख्य कलाकार बलवान सिंह धोरी बुटानिया और जो रानी मदनहाथ का रोल कर रहे हैं सतवीर सिंह पोसरा
कथूरवाल ढोलक पे खासा पैरे रोने वाला नकारे पे सिरदीन बुआने वाला और हारमोनी पे रिसाले बुआनिया और क्लाट पे ओम प्रकाश गरावड़िया और जो नकली का रोल कर रहे हैं और राजेंद्र सिंह धमाका। तो सुनिए पंडित लक्ष्मीचंद का बना सांग हरिचंद आपके सामने ये तीसरा भाग पेश किया जा रहा है। सुनिए ध्यान से सैनो इवरानी और विलाप करती है तो माली क्या कहता उसे चोरी रोने वाली। हाँ महाराज मैंने तेरे से पहले कहा था कि तू रो क्यों से, ये तो खाली मिट्टी पड़ी है अब रोने से जाने से क्या फर्क लगा बता। लेकिन मैं करूं क्या, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आता तो मेरी बात मान एक तू क्या तबियत मैंने तेरी सुने के और जी मेरी तबियत अब रोली बतेरी अब दिल को अब रोली बतेरी दिल को सबर कर सबर ये दुख सबसे जबर मुझको ना थी खबर मुर्दे
पाले थी बुद्धि पिला दू कभी पुत्र को पाले थी बुद्धि पिला दू कह लक्ष्मी चले एक रावे मते सत्य बोले से गति से मंत्र को लगेगा। ये खाली मिट्टी है और इस बाग में आपने बदबू कर दी। यहां से शमशान बिल्कुल नजदीक है, एक काम कर ले, शमशान बिल्कुल नजदीक है। अच्छा, एक केले का पत्ता तोड़ो हाँ। और इसमें इसकी लाश को लपेटो, शमशान में जाकर उसका दाह संस्कार करो और इसकी मुक्ति हो जाएगी। जाइए यहां से। समझो, माली ने जो बात बताई तो रानी के दिमाग में आ जाती है कि रोने पीटने से क्या फर्क लगेगा। रानी अपने बेटे की लाश को उठा गए चल देती है और क्या कहती है, एक बात में सुनिए। रानी दोबारा फिर माली के सामने एक बात में क्या सुनाती है और क्या कहती है सुनिए। ओ के मेरा बेटा मरने जोग था, उम्र चुथाई ना यदी और दुखियारी के लाल उम्र की किस कै गमी शादी।
ਕੱਢੇਗਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਪੰਦ ਮੈਂ ਪੈਗੀ ਔਰ ਰੋਤੀ ਜਾ ਸੰਗਵਤੀ ਜਾ ਮੇਰੀ ਬੁਰਜ ਕਿਲੇ ਕੀ ਦੇਗੀ ਹਮ ਘਰ ਤੇ ਆਏ ਤੀਨ ਪਿਰਨੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁੜੀ ਠਾਜੀ नहीं चलेगा यहां से शमशान बिल्कुल नजदीक है आप इसकी लाश को उठाओ शमशाना में ले जाओ और इसका दाह संस्कार करो यहां रोने से कोई फायदा नहीं है ठीक है महाराज जो रोने वाली चीज थी वो इसके अंदर से निकल के और वो चली गई ठीक है आप जाइए एक केले के पत्ते में इसकी लाश को लपेट लो और वहां जाके इसको दाग दो सुनो इमरानी मदनावर अपने बेटे रोहतास की लाश को लेके ਸਮਸਾਨਾ ਕੀ ਤਰਫ ਚਾਲ ਪੜੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਰਾਣੀ ਰੋਤੀ ਹੋਈ ਕਿਹੜਾ ਤੋੜ ਕੇ ਔਰ ਥੀ ਤੁਰਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਰਾਣੀ ਠਾ ਲਾਸ਼ ਰੋਵਤੀ ਚਲੀ
सदका क्यों करे भूलूंगी मेरे बेटा यो दर्दी आज का के दुनिया में थोड़ा हो गया तेरे रे नाज का मेरा तितर भकलिया धर काल ने रूप बाज का लाश को ले गए शमशाना में आ जाती है। इधर उधर से लकड़ी गोसे चुक के एक चिता सी बना ली और
धुमा सा उठा दिया, उधर से हरिचंद बलना नदी पे अपना भोजन तैयार करके और नहाने धोने का इंतजाम कर रहा था, पर एक बात में क्या कहने लग गया सुनी। हेरे पल में चोट लगी मैं ला लिया, भाई छिड़का करके फूस बिछा लिया। हेरे हरिचंद ने असन ला लिया रे, हर के ढाल में आता मैं रुद्रास की मलाई कंधे पे पड़ा रहता दुसला मेरे गुरु मकान चढ़ता दिया दिखाई चिंता किचड़ में खड़ी लुकाई दूर मदान
किस्मत पड़कर सोएगी ओनी सब तरिया ते खोगी मन मुश्किल होगी यहां तक लड़ी तेरे बांधी काठरी ओ नाश की ओ महाराज क्या बात है वो तन्ने बेटे की चाहिए क्रिया कैसे क्या होया महाराज लड़का रोहतास फूल लेने के लिए बाग में गया था नौलखे बाग में अच्छा वहां महाराज एक कनियर के पेड़ के नीचे एक सर्प बैठा हुआ था अच्छा और उसने रोहतास को डस लिया हाँ महाराज और मैं इसी को इसका दाह संस्कार करने के लिए यहाँ लेके आई थी और आपने महाराज इसका ठोकर मार दी आपने तो बहुत गलत काम करा यहाँ पर कोई बिना मसूल मुर्दा नहीं फूका जाता अगर तेरे पास 125 है तो इससे तम आग लगा दे वरना मैं इसको फूकने नहीं दूंगा महाराज क्या ये मेरा ही लड़का है आपका लड़का नहीं है वो उस दिन वाली बात तेरे याद से महाराज मेरे सारी बात याद है तो मेरी बात सुनिए कुर्सी आप घाटी की मालिक बनगी अपना जबरे वसी
चाहिए। क्यों महाराज? तू लाश लेके आज घाट पे गोरे गात ले लाकर दे तेरी मान बलावने लगी मीठा बोल लाकर दे के लड़के रोहतास के साथ लड़ गया। हाँ महाराज, कितने भी शेर ने डंके सब हो गया मेरा मट्टी में लाल लखो दिया मेरा मट्टी में लाल लखो दिया मैं होली न सब दरिया खो दिया चित बंदन
ਈਪ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਚਾਲਣਾ ਬੰਸੀ ਈਪ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਚਾਲਣਾ ਬੰਸੀ ਔਰ ਹੰਸ ਹੰਸਣੀ ਕਗਾ ਕੇ ਮਾਂ ਜਣ ਕੇ ਲਿਖਦੀ ਬਗਾ ਕੇ ਮਾਂ ਇਨ ਕਸੀ ਕੇ ਬਗਾ ਕੇ ਮਾਂ ਪੁਟਕੀ ਪੜਗੀ ਹੋ ਸਮੇਂ ਵਿਗੜਗੀ ਹੋ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਮਨ ਜਾ ਪਰਦੇਸਾ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਮਨ ਜਾ ਪਰਦੇਸਾ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ ਨੇ ਕੁਣ ਸੀ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਓ ਬੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਨ ਤੱਕੀ ਥੀ ਪਰਦਾ ਕੇ ਮਾ ਗਈ ਵਿਕੀ ਥੀ ਓ ਇਹ ਸੂਤਰੀ ਗੈਲ ਵਿਕੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ ਲਿਕੜ ਗਈ ਓ ਸਮੇਂ ਵਿਕੜ ਗਈ ਓ देखिए मेरे पास सवा रुपया तो है नहीं सवा रुपया नहीं है मेरे पास ये मेरा चीर है मेरी बात सुन अगर तेरे पास सवा रुपया नहीं है हाँ। तो मैं इसमें चिता में आग नहीं लगाने दूंगा इसको मुर्दे को यहाँ से उठा ले जा और चली जा महाराज भाग यहाँ से मैं ऐसे कैसे उठा करके ले जाऊँ उसको क्यों महाराज आप ऐसा करो अगर तू नहीं उठाती हाँ तो सवा रुपया करका दे दे और चिता में आग लगा तो महाराज सवा रुपया मैं कितने दूं जो मेरे दुरस है नहीं मैं नहीं जानता ये काली भंगी का वसूल है और मैं उसका नौकर हूँ मैं उससे फर्क नहीं करूंगा ठीक है मेरा लड़का जरूर है रोहतास लेकिन नहीं मैं उसका नौकर हूँ महाराज अगर आप नहीं मानते तो ये मेरा चीर है इसको ले जाओ और जाकर काली भंगी से दे देना ठीक है चीर दे दूंगा मैं ठीक है महाराज ले जाओ सुनो राजा हरिचंद ने ना तो अपने बेटे का कोई मोह आया और ना रानी की तरफ का कोई मोह सत्वादी राजा था अपने सत पे था साहिबान इस सवा रुपये के बदले वो 1,25,000 रुपए का चीर रानी का ले लेता है चीर ले लिया दिल तो जरूर आ लिया लेकिन अपने पलन पे था और काली भंगी का नौकर था एक बात मैं चीर ने लेकर चाल पड़े और के खेलने लग गया ऐरे बेटे यारा ऐरे केला टूट गया खुल ही हुई केवाड़ी लगी भाई चीर ले ले गए बेटे यारा केला टूट गया
महाराज के पास आता है और क्या बात करता है। हाँ कलिया महाराज, राम राम। राम राम। अरे हाँ जी, किस जा रहा था, शमशान भूमि में क्यों नहीं था महाराज? हाँ मैं शमशान भूमि से आया हूँ। अच्छा क्यों आया हूँ? खेल आया है। एक बिचारी दुखिया थी, फिर उसका लड़का मर गया था और उसके पास कोई पैसा नहीं था, बड़ी दुखिया है। हाँ दुमा तो मन भी उठता दिखा था उड़े, बड़ी गरीब है, बड़ी दुखिया है। अच्छा उसके पास 100 रुपया देने के लिए नहीं था। मैंने बहुत कहा और उसने भी बहुत विनती करी। अच्छा लेकिन मैं नहीं माना, मगर नहीं, अगर तेरे पास 100 रुपया है अच्छा तो इस चिता में आग लगा ले, वरना इस लाश को यहाँ से उठा ले जा महाराज। हाँ। और बेचारी दुखिया थी। अच्छा लगे कि मेरे पास 100 रुपया नहीं है, और 125 के बदले उसने अपने सिर का ये चीर उतार के दे दिया। महाराज लो ये चीर संभालो आप। भाई अरे मेरी बात सुनो। बोलो। मेरी काशी नगरी में ऐसा हाँ। कोई नहीं है जिसके पास 125 नहीं होगा। अच्छा मैंने सबका पता है महाराज, और जो ये चीर है हाँ। ये भी ये चीर यहाँ का नहीं है। अच्छा और कहाँ का है, सच बताओ आप महाराज कहाँ से लाए हो ये चीर? मैं झूठ नहीं बोलता, उस दुखिया का चीर है ये, 125 के बदले उसने अपना ये सिर का चीर दे दिया। आप एक बात बताओ हाँ। आप भी कुछ रो रहे हो, तेरी भी आख्या में आंसू ही दिखे हैं महाराज। हाँ सच बताओ क्या बात है? असली बात बताऊं? हाँ तो मैं हरिया नहीं हूँ, भूम छुटने भैया मरण और तीजे घर की ना एरे पुत्र बिछोवा बाप से बात बताओ मेरे को। तो महाराज हाँ साफ बात ये है, मेरा नाम हरिया नहीं हूँ और मैं राजा हरिचंद हूँ, और बल्कि वो जो लड़का मरा है वो लड़का मेरा रोहतास है। अच्छा जो कि साहब ने डस लिया, और वो जो रोने वाली है वो मेरी रानी है मदनावत। आजकल जो ब्राह्मण रामलाल है वो उसके वहां नौकरी करती है और मैं आपका नौकर हूँ। मेरा लड़का भी उसके साथ था, बागों में फूल तोड़ने के लिए गया था, वहां पर उसको बिशेर ने डस लिया महाराज। उसकी लाश लेके वो रानी वहां मृत घाट पर आ रही थी, उसके पास 100 रुपया नहीं था, उसने अपना सिर का चीर उतार के मेरे से दे दिया, मैंने आपसे दे दिया। अब कोई भी बात करो आप एक काम करो। ओ क्या, मैंने तो ये 100 रुपया आया कर लिया उसका। अच्छा ये चीर है ना जो हाँ। उसको वापिस दिया हो आप? नहीं महाराज, अब वो वापिस बिल्कुल नहीं लेगी। ले लेगी, जाओ देकर आओ। सुनो हरिचंद चीर ने लेके वापिस चल पड़ता है, रानी के पास जाता है तो रानी क्या कहती है, क्या जवाब? हाँ रानी। हाँ महाराज आ गए आप? मैं आ गया हूँ। ले ये कालिए महाराज ने तेरा जो ये मसूल था मुर्दा फूकने का 100 रुपये का, ये तेरा माफ कर दिया गरीब समझ के, ये अपना चीर वापिस ले। नहीं महाराज। क्यों? ओयो से कफन मेरे बेटे का, सजन मेरे ओ ढण का मुना से होयो कपने मेरे बेटे का, ओ मक्का बिस प्याला पीवण का जखम शिवण का, ना तो दर्द जखम शिवण का,
ओ मेरे सज्जन मेरे जीवन का रास्ता भैया की करूंगी ओ बेटा बिनके जतन करूंगी ओ मैं भी बेटे की गैल मरूंगी और मेरी क्या है चिता में जलाने नहीं दूंगा एक काम कर ले के? इसकी हथेली पे पैसे का दाग दे हाँ। और जो है साथ में बरना नहर चल रही है हाँ। लड़के ने इस बरना नहर में गेर दे इसकी मुक्ति हो जाएगी। तीन दाग बताते हैं, एक मिट्टी का, एक अग्नि का और एक जल का। ठीक है महाराज, जैसी आपकी मर्जी। सुनो, रानी ने वो एक काम कराया, लड़के की हथेली पे पैसे का दाग दे के और साथ में जो बरना नहर बह रही थी उस नहर में बोहा दिया। उधर से उस लाश की गेल गिल रानी होली चलते चलते हार जाती है, थक जाती है, मुसीबत में थी। आगे एक सती की मढ़ी आ जाती है, उस मढ़ी में रानी लौट जाती है, बेहोश होगी, क्यों दुख विपता में पागल बना रखी थी। रानी उस मढ़ी में पड़ जाती है। विश्वामित्र ने सोचा कि वैसे तो ये आठ में नहीं आए, एक तेरा जादू बाकी है, वो जादू और चला के देख ले। क्या काम करा विश्वामित्र ने, लड़का रोहतास तो बाहर निकाल लिया नदी से। आप शहर में जाके एक सेठ का लड़का उठा लेता दो चार महीने का और कत्ल करके और रानी की छाती पर लाश गिर दी, मुंह का खून लगा दिया, यानी उसका डांड का रूप बना दिया। शहर में दुहाई मार जाती है, कालिया एक पास रिपोर्ट आती है और कालिया क्या इंजाम करता है और क्या कहता सुनिए। दुहाई है महाराज की, दुहाई है महाराज की, दुहाई है। क्या बात है, क्या महाराज? हाँ, शहर में डांड आ रही है, शहर में डांड आ रही है। हाँ, और एक सेठ का लड़का खा लिया। अच्छा, हाँ, उसको मरवाने का इंतजाम करो। ठीक है, उसका इंतजाम हो जाएगा, जल्दी करो। चलो बस सुनो, इब कालिया अपनी तेग लेके, नंगी तेग लेके चल पड़ता है। इबाग्य से हरिचंद आ जाता और क्या बात करता है महाराज। हाँ, आप ये नंगी तेग लेके कहाँ जाते हो? शमशान भूमि में जा रहा हूँ। क्यों? वहाँ पर कोई डांड आई है मंडी में। हाँ, मैंने भी जिक्रा सुना है, वो जो सती की मंडी है उसमें डांड आई है। हाँ, मेरे पास शहर की रिपोर्ट आई है। अच्छा, कैसे? शहर से बच्चे उठाती है, खाती है। अच्छा, उसको खत्म करूंगा। तो उसका सिर उतार हो गया। हाँ महाराज, मैं तेरा नौकर हूँ। अच्छा, ये काम मैं करूंगा, आप अपने घर जाइए। अच्छा, जाइए आप। ठीक है साहिबान। हरिचंद वो तेग लेके
चल पड़ता है और मंडी में पहुंच जाता है। जाके देखा तो वाक्य में रानी मदनावत थी, और क्या बात करता है। राजा हरिचंद नार काटने के लिए तैयार हो जाता है, छाती पे गोटा धर लिया और जगाता है उसको। ओए डन, तने अपना तो खा था, क्या शहर के भी उठा उठा के खान लगी, तेरे को शर्म आनी चाहिए। खड़े हो जा, मैं तेरे को बख्शूंगा नहीं, मैं तेरे सिर को उतारूंगा। खड़ी हो गया, ओ क्यों मेरी छाती पे चढ़ रहा समन, तेरा बोल पहचान लिया। ओ जल पिया ना खाई रोटी, मने तकदीर लिखा ली पट्टी, मने तकदीर लिखा ली पट्टी। ओ चाकू चोटी मैं कटरा तक दे तेरी कट जा नरम गया। सजल डेठे का सजन तू को न मेरे बेटे का, मेरे रंज बेटे का बटरा से प्रिया तेरा लज्जा नहीं लिया। ओ कट गए खेत पड़ी मढ़ा में, सजन मेरा खून नहीं अड्डा में, सजन मेरा खून नहीं अड्डा में। ओ क्यों घना लड्डा मैं लड़िया से गुठा गिट्टी में दिया। लक्ष्मी चंदना चाती तंगी, मंडी में पड़ी थी उघाड़ी नंगी, मंडी में पड़ी थी उघाड़ी नंगी। ओ पढ़ाया तू भंगी का पटरा समने, तेरा मतलब जान लिया। रानी हमारा खड़ी हो जा, मैं तेरे को बख्शूंगा नहीं। तू ठीक है, चंद्रभुजी भगवान है, मैं इसको प्रणाम करता हूँ। आयुष्मान भव सजनो, ईद क्यों जनाब? महाराज, हे राजा हरिचंद, आप बड़े सत्वादी राजा हो, आपका सत पूरा हो गया है। अच्छा, आपके लिए सुरगपुरी तैयार है, चल सकते हो। अच्छा, सुरग में यानी मेरा राज है। हाँ, और मेरे लिए जगह है। जी हाँ, मैं वहां पर चल सकता हूँ। हाँ, मैं नहीं चलूंगा। और मैं कालिया भंगी का नौकर हूँ। अच्छा, अगर कालिया चलेगा तो इसके साथ मैं भी चल पड़ूंगा। महाराज ऐसा करो, उस कालिया को बुलाओ। बुलाओ कालिया को। तो भी कालिया। हाँ जी। ये तुम्हारा नौकर है? हाँ नौकर है जी। भाई देखो, ऐसा करो आप सुरग में चलिए। महाराज मैं नहीं चलूंगा, मैं तो सारी काशी सुरग में चलेगी ना, जब चल सकता हूँ ना, तो ये मेरे जजमान रह जाएंगे, मैं तो इनके साथ हूँ। भाई चल, इसको क्यों मार रहा था तू? ये डान है। ये डान नहीं है। और क्या है ये? नहीं, ये शहर के बच्चे उठा उठा के खाती है। नहीं, ये डान नहीं है। और वो सेठ से कहो कि मैं लड़के को आवाज देगा। क्यों भाई सेठ? ए सेठ। हाँ जी। अपने लड़के को आवाज दो। ठीक है जी। सुनो बेटे, खड़ा हो ले, लड़का जिंदा हो जाता है। रोहतास को भी आवाज दो। अपनी रानी से कहिएगा रोहतास को आवाज देगी। रानी लड़के रोहतास से आवाज दे। हाँ बेटे रोहतास। सुनो, लड़का रोहतास भी जिंदा हो जाता है, यहाँ पर ये सांग पूरा होता है। याद रखिए, भूले मत, हमेशा जगदीश कैसेट खरीदे, भूले मत। और यहाँ पर ये सांग पूरा होता है, वो नगर खेड़े की।